मैं समझता हूँ मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जब से मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आपने पूरी इंक्वायरी की हुई है, मेरे पे आपने किए इंक्वायरियाँ। दुख की बात यह है कि मेरे बड़ी हुई माँ पे, मेरी बहनों पे, मेरे छोटे छोटे बच्चों पे, मेरी बेटियों पे, आपने पूरे पाकिस्तान में आपने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अमीन गंडापुर साहब को नाअहल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए, उनके खिलाफ केसेस वगैरह अब सामने आना शुरू हो गए हैं और वो अपने केसेस पर बात करते हुए बड़ा तहलका खेज बयान दे गए। आप सर सुनिए उनके बयान, लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो जरूर आगे भी शेयर कीजिएगा। मैं समझता हूँ मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जब से मैंने पढ़ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आपने पूरी इंक्वायरी की हुई है, इनके रिकॉर्ड के मुताबिक 5300 कनाल जमीन में बाप दादा की बेच चुका हूँ। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा जमींदार भी है, इसकी 5300 कनाल 27 रुपए इसकी जमीन की मलकियत हो, मैं तो बेच चुका हूँ। बाकी मैं इस चीज़ों पर नकीला करता हूँ, मैं खुश होता हूँ, ठीक है करो इंसान, अच्छी बात है। अगर मैं साहब की बड़े त्रास करूंगा तो सारी बात है, फिर तो ऐसा होगा नहीं इस मुल्क में। तो मैं तो वेलकम करता हूँ हमेशा कि आए, पहले भी मेरे पे ना हुए हैं, उन्होंने मेरे पे किए हैं मुख्तलिफ, मैंने कभी हमेशा मैंने कहा बिल्कुल वेलकम, आप करें आप देखें, अगर हम इंसान से भागेंगे तो हम किसी और कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मेरी कोई मसला है, मेरी आज क्लियर है, मैं उसके तैयार भी हूँ और मैं आप देख कहता हूँ कि वेल डन आओ, लेकिन ये है कि क्लास सपोर्ट करो। फिर मेरे पे आपने किए इंक्वायरियाँ, दुख की बात यह है कि मेरे बड़ी हुई माँ पे, मेरी बहनों पे, मेरे छोटे छोटे बच्चों पे, मेरी बेटियों पे आपने पूरे पाकिस्तान में आपने इंक्वायरी की है कि कहाँ काम करना, पे कुछ है नहीं है। जब फिर ये निकला और ये निकला जब कि 5300 ग्राम बेची है, फिर चेयरमैन एफ साहब एक अवार्ड भी दे दो, एक अवार्ड भी राग बनता है। फिर मैं अगला नहीं करता लेकिन अवार्ड भी राग बनता है कि आपने निकाला तो कुछ नहीं, उल्टा जो मैंने सियासत में नुकसान किया तो आप आए एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। दोस्तों सुना आपने, उन्होंने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम साबित होना चाहिए कि कोई मुजरिम है या नहीं। इस हवाले से अगर वाकई में अदालतें इंसाफ करती हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब इससे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं करेंगे। तो अगर चीज़ें साबित नहीं होती तो जो इस किस्म के इकदाम करते हैं किसी को भी डाउन करने के लिए, उनके खिलाफ भी जाहिर सी बात है एक्शन होना चाहिए। आज की वीडियो जरूर आगे शेयर कीजिएगा, लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।